हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 1 पार्ट 4। सो बिफोर दिस वी हैव डन पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 1 को हमने 3 पार्ट्स अभी तक पढ़ा दिए हैं, ये फोर्थ पार्ट है एंड आई थिंक दिस विल बी सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट फूड रिसोर्सेज, कि फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड क्या होते हैं, और जो हमारे जो फूड जो है कैटेगरीज हैं ड्राइविंग न्यूट्रिएंट्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी डिसाइड करी वो कितने तरह की होती हैं, एंड प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, एंड अब इसके अलावा हमने पढ़ लिए थे कि फूड इंग्रेडिएंट जो हमको प्लांट से मिलते हैं कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से पार्ट से कौन कौन से इंग्रेडिएंट हमको मिलते हैं, ये हमने स्टडी कर लिया था। एंड वी हैव स्टडीड टिल स्टेम तक हमने स्टडी कर लिया था कि प्लांट का जो स्टेम पार्ट है उसमें से कौन कौन से प्लांट है जो हम स्टेम जो है एडिबल स्टेम है जो हम यूज़ करते हैं हमारे फूड के फॉर्म में। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। हमने लास्ट क्लास के अंदर मैं यहाँ तक पढ़ लिया था, फॉर एग्जांपल लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट कैन बी ईटन एज वेजिटेबल एंड द सीड आर यूज फॉर गेटिंग मस्टर्ड ऑयल। सो टिल दिस वी हैव स्टडीड, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाउ प्लांट्स यूज देयर फूड। जो प्लांट्स है अपना फूड है वो कैसे यूज़ करते हैं हमें इसमें स्टडी करने वाले आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। द फूड प्रिपेयर्ड बाई लीव्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और सिंपल शुगर इज यूज टू गेट एनर्जी एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अब जो हम बात कर रहे हैं जो फूड है वो प्रिपेयर हुआ है लीव के अंदर वो ग्लूकोज की फॉर्म में सेव होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है जो कि सिंपल शुगर होती है जो कि नॉर्मली एनर्जी यूज एनर्जी गेन करने के लिए या प्लांट को ग्रोथ देने के लिए उसको प्लांट को यूज आती है। द रिमेनिंग फूड इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन लीव्स। और जो बाकी का रिमेनिंग फूड होता है बचा हुआ जो फूड होता है जो थोड़ा बहुत फूड ग्लूकोज का जो फॉर्म होता है वो प्लांट की जो ग्रोथ होती है या उसके एनर्जी गेन करने के लिए यूज़ हो जाता है और बाकी जो एक्स्ट्रा फूड जितना भी होता है वो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कौन से फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। वो जो होता है वो लीव्स की फॉर्म लीव्स में भी स्टोर हो सकता है, स्टेम में स्टोर हो सकता है, रूट में स्टोर हो सकता है या उसके फ्रूट में स्टोर हो सकता है। तो किसी भी पार्ट में जो प्लांट है अपना स्टोर्ड जो फूड है वो स्टोर कर सकता है। द फूड स्टोर इन फ्रूट्स रूट्स लीव्स एंड स्टेम इज ईटन बाई द एनिमल्स। और जो भी फूड स्टोर करता है प्लांट चाहे वो फ्रूट की फॉर्म में करे, रूट की फॉर्म में करे, लीव्स में करे या स्टेम में करें, वो सब या एनिमल या ह्यूमन बींग जो भी है जो उसको खाते हैं उनके खाने के यूज़ में आता है, उनके फूड के फॉर्म में यूज़ आता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सन्स एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो फोटोसिंथेसिस होती है तब जो सन की एनर्जी होती है वो उस फूड के अंदर जो है एनर्जी की एनर्जी होती है वो फूड के फॉर्म के अंदर उसमें स्टोर हो जाती है। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन टू अस इन द फॉर्म ऑफ फूड दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट। अब जो भी हम खाना प्लांट से लेते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में? वो एनर्जी होती है सन की एनर्जी होती है जो हमको पास ऑन होती है। जो प्लांट है वो सन से एनर्जी लेते हैं और फूड के फॉर्म में हमको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ्रूट। सो प्लांट है वो कैसे जो है फूड को स्टोर करते हैं ये हमने स्टडी कर लिया है। हाउ प्लांट यूज़ देयर फूड, प्लांट अपने फूड को कैसे यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत वो अपने लिए यूज़ करते हैं और बाकी जितना भी एक्स्ट्रा होता है वो सारा का सारा वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको दे देते हैं उनके फूड की नीड के लिए। फ्रूट्स फ्रूट्स आर द राइपन्ड ओवरीज ऑफ द फ्लावर। अब फ्रूट एक्चुअली क्या होते हैं? फ्रूट राइपन्ड मतलब पकी हुई ओवरीज होते हैं किसी भी फ्लावर की। फ्लावर का एक पार्ट होता है जहाँ पे जो है बीज बनते हैं तो वो हिस्सा होता है ओवरीज, ठीक है। और ओवरीज ही क्या करते हैं, जब वो ओवरीज पक जाते हैं तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं? फ्रूट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। फ्रूट्स आर कॉमनली ईटन रॉ। जो फ्रूट्स है वो ज़्यादातर हम देखें तो कच्चे ही खाए जाते हैं। फ्रूट्स आर रिच इन विटामिन्स मिनरल्स एंड शुगर। और फ्रूट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर विटामिन्स होते हैं बहुत सारे, मिनरल्स होते हैं और शुगर होती है। नॉर्मली जो फ्रूट होते हैं थोड़े बहुत मीठे तो होते ही हैं।
फ्रूट्स ऑफ अ प्लांट यूजुअली हैव अ सीड ऑफ द प्लांट इनसाइड देम। अब अगर हम फ्रूट की बात करें तो मोस्टली फ्रूट के अंदर उनके सीड्स होते हैं, उनके बीज होते हैं मोस्टली फ्रूट में। मैं नहीं बोल रही हर फ्रूट में, अब बोलोगे मैम बनाना में तो होता नहीं है सीड, सो सिर्फ 2-3 फ्रूट्स में उनके सीड उनके अंदर नहीं होते हैं, लेकिन मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं, ज़्यादातर हम फ्रूट्स की अगर बात करें उनके अंदर उनके सीड्स होते हैं। Many plants have evolved fruits that are attractive as a food source to the animals, so that animals eat the fruits and extract the seed some distance away from the plant. अब जो फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, वो अपने फ्रूट्स को एवलॉप कर देते हैं, विकसित कर लेते हैं, उनको डेवलप कर देते हैं, दैट आर अट्रैक्टिव एज अ फूड सोर्स टू एनिमल्स, जो कि फूड सोर्स के फॉर्म में एनिमल्स को अट्रैक्ट करें, अपने तरफ खींचे, सो दैट एनिमल्स ईट द फ्रूट्स एंड एग्जर्ट द सीड्स, और इससे कि क्या हो, जो एनिमल्स हैं उस फ्रूट को खाएं और जितना भी जो है सीड जो है उसको एग्जर्ट कर दें, उसको अपने गोबर में निकाल दें सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से थोड़ी दूर जाकर वो उसको जो है सीड को जो फ्रूट खाया था उससे जो सीड बचा है वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें, उनके एक्सर्ट्स की फॉर्म में, एक्सर्ट्स की फॉर्म में बाहर निकल जाता है सीड जो कि प्लांट से थोड़ा दूर जाता है। फ्रूट्स देयरफॉर मेक अप अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द डाइट्स ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स। अगर हम इसकी बात करें जो फ्रूट्स हैं वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइट में वो पूरा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, क्योंकि मोस्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो फ्रूट्स खाते हैं, चाहे हम ह्यूमन की बींग्स की बात करें या किसी एनिमल्स की बात करें, मोस्टली जो है फ्रूट्स खाते हैं। सम फ्रूट्स सच एज टमाटोज, पम्पकिन एंड एग प्लांट आर ईटन एज वेजिटेबल्स। अगर हम कुछ फ्रूट्स की बात करें जिनको हम अब तक वेजिटेबल्स समझते आ रहे थे, लेकिन वो वेजिटेबल्स नहीं फ्रूट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, टमाटोज, पम्पकिन, एग प्लांट्स, ये सब वेजिटेबल के फॉर्म में खाए जाते हैं, होते तो प्लांट के लिए फ्रूट ही हैं लेकिन हम उसको वेजिटेबल्स की कैटेगरी में डालते हैं, हमारी तरफ से वेजिटेबल की कैटेगरी में, लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो ये जो है कौन सा पार्ट होते हैं प्लांट के, फ्रूट पार्ट होते हैं प्लांट का। ओके अगर हम बात करें नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स आर अनदर टाइप ऑफ प्लांट मैटर दैट इज़ कॉमनली ईटन एज फूड। अगर हम जो है एडिबल पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने फ्रूट्स की बात करी है, तो हम वेजिटेबल्स को नहीं छोड़ सकते हैं, बिकॉज वेजिटेबल्स आर ऑल्सो मेन पार्ट ऑफ आवर डाइट। जो वेजिटेबल्स हैं वो भी हम बहुत कॉमनली जो है अपने फूड सोर्स के फॉर्म में ईट करते हैं। These includes root vegetables such as radish and carrot. अब vegetables की बात करें तो उसके अंदर जो है root vegetables भी आती हैं, जो vegetable root की form में होती हैं वो vegetables भी आती हैं, जैसे कि radish और carrot. Radish और carrot plant का root part होता है, इसलिए उनको root vegetable कहा है. Leaf vegetables such as spinach and lettuce. Spinach और lettuce है वो part का जो है leaf plant होता है, इसलिए उनको leaf vegetable कहा है. स्टेम वेजिटेबल, क्योंकि पार्ट का जो प्लांट का स्टेम पार्ट है वो एडिबल होता है तो उसको स्टेम वेजिटेबल बोला है. सच एज बैम्बू शॉर्ट्स एंड एस्परगस. एस्परगस एक वो है शतावरी जिसको हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, यू कैन गूगल इट. एंड इन्फ्लोरसेंस वेजिटेबल सच एज ब्रोकली. और इन्फ्लोरसेंस मतलब पूरी तरह जो है फ्लावर की फॉर्म में जो होता है उसको बोलते हैं इन्फ्लोरसेंस, पुष्पित मैंने हिंदी मीनिंग इसको सर्च करके तक लिखा है, जो कि जो ब्रोकली है वो पूरा का पूरा जो है फ्लावर फॉर्म में होता है, फ्लावर के साथ इसका थोड़ा सा स्टेम भी आ जाता है, तो उसको इस वाले पार्ट को बोलते हैं इन्फ्लोरसेंस वेजिटेबल. सो यू कैन सी इन द पिक्चर जो है रेडिश पार्ट है, जो रेडिश है वो रूट पार्ट है किसी भी प्लांट का, लेटेस है वो लीफ पार्ट है, जो है एस्परेगस है वो स्टेम पार्ट है, और ब्रोकली है वो फ्लावर पार्ट है. नेक्स्ट इज फाइबर इन फूड. अब हमको पता है फाइबर हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. डाइट्री फाइबर इज़ फाउंड इन सैरल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. डाइट्री फाइबर्स की अगर हम बात करें, जो हमारी फूड है उसके अंदर मोस्टली सैरल्स के अंदर, अनाजों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर और वेजिटेबल्स के अंदर हमको मिलता है. फाइबर इज़ मेड अप ऑफ इनडाइजेस्टिबल पार्ट. इनडाइजेस्टिबल पार्ट होता है मतलब ये पचता नहीं है, अपचनीय पार्ट होता है ऑफ प्लांट विच पास रिलेटिवली अनचेंज्ड थ्रू आउट और स्टमक एंड इंटेस्टाइन, जो कि क्या करता है हमारे पेट से होते हुए बिना चेंज हुए
अप्रोक्स अनचेंज रहता है, बिना चेंज हुए हमारे स्टमक से और हमारे पेन जो इंटेस्टाइंस है, हमारे जो है इंटेस्टाइन और इन सबसे है, वो पास होके निकलता है बिना चेंज हुए। द मेन रोल ऑफ फाइबर इज़ टू कीप द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी। और जो फाइबर है उसका मेन रोल क्या होता है, मेन काम क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखना। अदर टर्म्स फॉर डायट्री फाइबर इज़ बल्क एंड रफेज। अगर हम दूसरे टर्म्स की बात करें, दूसरे नेम की बात करें, तो डायट्री फाइबर को बल्क और रफेज भी बोला जाता है, आई थिंक आपने पढ़ा होगा पहले। विच कैन बी मिसलीडिंग सिंस सम फॉर्म ऑफ फाइबर आर सोल्यूबल इन वाटर एंड आर इन बल्की और रफ एट ऑल। जो कि है इनका जो अदर नेम बोल तो दिया है कि बल्क और रफेज, आप उसको अदर फॉर्म में अदर नेम के तौर पे आप इसको कॉल कर सकते हो, बट कई बार जो है ये मिसलीडिंग होता है, कई बार सही नहीं होता, क्योंकि कई फाइबर जो होते हैं वो सोल्यूबल होते हैं पानी में, पानी में घुल जाते हैं ईजिली, और बल्की, बल्की मतलब भारी, भारी नहीं होते हैं और ना ही इतने रफ़ होते हैं, तो इनको रफेज और बल्कि एकदम बोलना तो सही नहीं होगा। बट डायट्री फाइबर मेनली क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जितना भी हमारा जो अनपचा खाना होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने के अंदर वो हेल्पफुल रहते हैं डायट्री फाइबर। इसलिए डायट्री फाइबर हमारी हेल्थ के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। हियर डू यू नो ऑरेंज, लेमन्स, वाटर मेलन्स एंड टमाटोज आर बेरीज। अगर हम बात करें जो है फ्रूट, नॉर्मली हम बोलते हैं ऑरेंज और लेमन है वो फ्रूट्स होते हैं, बट एक्चुअली ये क्या होते हैं, बेरीज होते हैं। तो ये आपका नॉलेज बूस्टर हो गया। नेक्स्ट इज एनिमल्स एज सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स है, अगर हम उनकी बात करें तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, सोर्स ऑफ फूड हो सकते हैं, उनको भी हम खाने के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। एनिमल्स आर बोथ डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फूड। अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो कई बार हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं और इनडायरेक्ट सोर्स भी हम उसको बोल सकते हैं। डायरेक्ट सोर्स मतलब सीधा उस जानवर को मार के उसको ईट किया, या इनडायरेक्ट उस जानवर से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, उस एनिमल से कोई प्रोडक्ट मिल रहा है हमने वो ईट किया है। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मीनिंग आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। लेट सी नेक्स्ट। नेक्स्ट इज मीट। तो मीट एंड एग जो हैं वो हम जो एनिमल से डायरेक्टली लेते हैं। सो मीट, अ वेराइटी ऑफ मीट इज रिच इन प्रोटीन्स। मोस्टली जो मीट होते हैं, बहुत सारी टाइप्स होती हैं मीट की, वो प्रोटीन रिच होती हैं, प्रोटीन उसके अंदर बहुत सारा होता है। दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम पोल्ट्री। और नॉर्मली जो है पोल्ट्री से हमको है जो मीट मिलता है, मुर्गी पालन जिसको बोलते हैं, पोल्ट्री, पोल्ट्री से मीट मिलता है हमको, चिकन वगैरह जो है पोल्ट्री से मिलता है। द फ्लैश ऑफ सम एनिमल्स इज ईटन एज फूड। अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स का जो फ्लैश है, उनका जो मांस है, वो भी हम कैसे खाते हैं, फूड के फॉर्म में खाते हैं। पोल्ट्री, बर्ड्स, फिश, गॉट एंड शीप प्रोवाइडेड मीट। अगर हम बात करें जो हमको मीट कहाँ कहाँ से मिलता है, सो हमको मीट मिलता है पोल्ट्री बर्ड मतलब जिनको पालते हैं, मुर्गी वगैरह या डक वगैरह जिनको पाला जाता है उनसे, फिश से, गोट से और शीप से, जो कि हमको क्या करते हैं, मीट प्रोवाइड कराते हैं। सम सी क्रीचर्स सच एज श्रिम्प्स, प्राउन्स, शेल फिशेस एंड क्रैब्स आर ऑल्सो ईटन। अगर हम बात करें जो है खास करके जो नॉर्थ एशिया है, जैसे कि कोरिया है, चाइना, थाईलैंड, इन वाले कंट्रीज़ के अंदर ये जो सी फूड है वो काफ़ी फेमस होते हैं। श्रिम्प्स, प्रॉन्स, शेल फिश और क्रैब है, वहाँ लोग बड़े मज़े लेकर खाते हैं। तो ये जो है ये सी क्रीचर्स होते हैं, समुद्र के जानवर होते हैं। श्रिम्प्स जो है इनका हिंदी मीनिंग झींगा ही होता है, प्राउन्स का भी हिंदी मीनिंग झींगा ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। शेल फिशेज, उनके फिशेज पर थोड़ा शेल लगा होता है। एंड क्रैब्स, केकड़ा जो होता है उनको भी जो है मीट के तौर पर खाया जाता है। नेक्स्ट इज़ मिल्क। हमको पता है मिल्क जो है किसी भी नॉन वेजिटेरियन पर्सन के लाइफ फूड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिल्क इज़ एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल्स फॉर अस। बहुत इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल है हमारे लिए। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल्स। हम जो मिल्क है वो हमको कहाँ से मिलता है, ऑब्वियसली एनिमल्स से मिलता है। फूड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय एनिमल्स इंक्लूड्स मिल्क विच इज़ प्रोड्यूस बाय मैमल्स सच एज शीप, कैमल्स, गोट, काउ एंड बफेलोज। अब जो है मिल्क है, जो भी हमको फूड जो है एनिमल से मिलता है, मिल्क उनमें से एक है, जो कि हमको अलग अलग जो है मैमल्स हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जिनके स्तन होते हैं, उन एनिमल से हमको मिलता है। अब वो कौन कौन से होते हैं, शीप से हमको मिलता है मिल्क, कैमल से मिलता है, गोट से मिलता है, काउ से मिलता है, बफेलो से मिलता है। अब आप बोलोगे मैम कैमल और शीप का तो हम मिल्क लेते ही नहीं है। आप नहीं लेते हैं, बट कई जगह पे मेडिसिन के फॉर्म में ये यूज़ किया जाता है, और कई जो एरिया है वहाँ पे इनका जो मिल्क है कॉमनली यूज़ किया जाता है।
Milk is drunk or processed into dairy products such as cheese or butter. और जो मिल्क है वो है सिर्फ डायरेक्टली मिल्क के फॉर्म में कंज्यूम नहीं किया जाता है, उसके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स जो कि दूध से बनते हैं प्रोडक्ट्स, वो कौन कौन से होते हैं? चीज़, पनीर, बटर, मक्खन, ये सब जो है डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं. मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम. मिल्क है बहुत इंपॉर्टेंट और जो है रिच सोर्स होता है कैल्शियम का. कहते हैं दूध पिया करो ताकि आपके दांत और हड्डियां मजबूत हो, क्योंकि हड्डियां और दांत भी किससे बनते हैं? कैल्शियम से बनते हैं. एनिमल्स विच प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मिल्च एनिमल्स. और जो एनिमल्स जो हैं मिल्क प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलेंगे? मिल्च एनिमल्स. मिल्च एनिमल्स मीन्स दुधारू पशु, दूध देने वाले पशु. ओके, नाउ दैट्स नेक्स्ट इज एग. इन एडिशन बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स ले एग्स विच आर ऑफन ईटन. अगर हम बात करें एनिमल्स से जो हमको फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनमें एग्स भी आते हैं. एग्स जो हैं जो बर्ड्स और जो हैं या फिर कुछ एनिमल्स भी जो हैं अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं. एग्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन एंड विटामिन्स. और एग्स के अंदर बहुत जो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि प्रोटीन एंड विटामिन्स होते हैं, वो एग्स के अंदर होते हैं. कहते हैं एग वाइट जो होता है, एग का वाइट वाला हिस्सा होता है, वो बहुत रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, उसमें प्रोटीन भर भर के होता है. नेक्स्ट इज हनी. हनी भी हमको एनिमल्स से मिलता है. हैव यू सीन बीज बजिंग अराउंड द फ्लावर. आपने बीज कभी मौका पड़ा होगा तो देखी होंगी, जो कि जो फ्लावर्स के अराउंड है, फ्लावर्स के चारों तरफ बजिंग करती रहती है, भिनभिनाती रहती हैं. बजिंग मीन्स भिनभिनाना. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड मेक हनी फ्रॉम इट. बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं. नेक्टर क्या होता है? एक फ्लावर के अंदर जो जूस होता है, रस होता है, उसको क्या बोलते हैं? नेक्टर. सो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करते हैं, उसको किस में बदल देती हैं? हनी में बदल देती हैं. कौन? बीज. दे स्टोर द हनी इन देयर हाइव्स. और जो बीज हैं अपने हाइव्स के अंदर, अपने छत्तों के अंदर जो है उस हनी को स्टोर करती हैं. ह्यूमन बींग्स कलेक्ट हनी फ्रॉम बी हाइव्स. और जो इंसान सॉरी ह्यूमन बींग्स से इंसान है वो कहाँ से कलेक्ट करते हैं हनी? उन बी हाइव से, उन मधुमक्खियों के छत्तों से. हनी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, वाटर, मिनरल्स एंड एंजाइम्स. अगर हम हनी की बात करें, उसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सबसे पहले तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बहुत सारे. अब वो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हो सकते हैं? सुक्रोज हो सकता है, एक फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का. ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, ये है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म. उसके अलावा उसके अंदर वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं. एंजाइम स्पेसिफिक जूस होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे बाकी के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वैसे एंजाइम्स होते हैं. इट इज़ यूज्ड इन आयुर्वेदिक मेडिसिन. और आयुर्वेदिक मेडिसिन के अंदर मोस्टली जो है हनी यूज़ किया जाता है. सो यहाँ तक हमने जो कर लिया है, हनी तक हमने कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम इंडियन फूड के बारे में स्टडी करेंगे. जो पूरा पैराग्राफ है आई थिंक जो है इंडियन फूड्स जो है या जो लेट्स डू इट वाला जो पार्ट है वो हमारा लास्ट क्लास होगी. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. प्लीज़ रिवाइज दिस चैप्टर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.